चीन आर्मी का यूक्रेन के पहले शहर खेरसोन पर कब्जा। कीव में रूस का भीषण हमला, धमाकों से दहली यूक्रेन की राजधानी, 10 लाख लोगों ने छोड़ा देश। खारकीव में फिर दोहराई जा रही 80 साल पुरानी कहानी, हिटलर के बाद अब पुतिन के प्रहार से शहर तबाह। जेलेंस्की की जीत से खारकीव में बर्बादी का मंजर। दूसरे दौर की बातचीत से पहले रूस का बड़ा बयान, कहा जेलेंस्की ही है यूक्रेन के नेता, जेलेंस्की ने अपने देश को युद्ध में झोंका। यूक्रेन के खारकीव रेलवे स्टेशन पर फंसे कई भारतीय, ट्रेन में जगह नहीं, महिलाओं और यूक्रेन वासियों को प्राथमिकता, भारतीय छात्रों के लिए ट्रेन में सवार हो पाना बहुत मुश्किल। यूक्रेन में फंसे 8 स्टूडेंट्स लौटे जयपुर, छात्रों को मंत्री शकुंतला रावत ने किया रिसीव। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और विधायक रफीक खान भी रहे मौजूद। रूस और यूक्रेन की भीषण जंग से क्या फिर लगेगी डीजल पेट्रोल के दामों में आग। क्रूड ऑयल के दामों में बेतहाशा तेजी, 30 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम। यूपी में छठे चरण का मतदान जारी, 10 जिलों की 57 सीटों पर जारी वोटिंग। सीएम योगी की गोरखपुर शहर विधानसभा सीट पर भी हो रहा मतदान। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही, प्रश्नकाल में मंत्रियों ने विधायकों के सवालों के दिए जवाब। सीएम गहलोत बजट पर आज देंगे रिप्लाई। सात मार्च को जैसलमेर के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वायुसेना के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम। सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की पीएम मोदी की यात्रा की तैयारी। संविदा नर्सेज की मांगों पर वार्ता में नहीं बनी सहमति, अब भूख हड़ताल की राह पर संविदा नर्सेज। शहीद स्मारक पर 20 से अधिक नर्सेज का आमरण अनशन।